फिल्म सरकार में मिस्टर अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग था कि पास के नुकसान से पहले दूर का फायदा देखो और पास के फायदे से पहले दूर का नुकसान देखो। सुशांत सिंह राजपूत ये साबित कर रहे हैं, कैसे अभी पता लगेगा। क्या ये सही है कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज के ड्रॉप आउट हैं, मतलब थर्ड ईयर में आपने ड्रॉप आउट करके आप एक्टिंग की राह पर आ गए? सही तभी साबित हो गई थी जब मैं फिगर आउट कर रहा था कि मुझे क्या करना है, और जिस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इंजीनियरिंग नहीं करूँगा और परफॉर्मिंग आर्ट्स में मेरा रुझान है तो मैं ये करूँगा, उस दिन से ही मैं सही था। वो अलग बात है कि अब उसका रिजल्ट सामने आ रहे हैं और लोग देख के बोलेंगे अच्छा ऐसा करना चाहिए, लेकिन जिस दिन आप वो काम करने लगते हो जो आपको अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि आप सही होते हो। मुझे समझ में आ गया कि नो मैटर आपके पास कितने भी पैसे हो या कितना भी फेम हो या कुछ भी हो, अगर वो एक जैसा ही रहता तो आप बोर होने लगते हैं। और मेरे हिसाब से जो हैप्पीनेस है, सक्सेस है, उसका जो सबसे क्लोजेस्ट सिनोनिम होता है वो एक्साइटमेंट होता है। और वो एक्साइटमेंट तभी होता है जब आप वो कर रहे होते हैं जो आप करना चाहते हैं। अच्छा, आप पटना से हैं, राइट? जी, एक्चुअली मैं 10 साल मैं उधर रहा हूँ, 10 साल मैं दिल्ली में रहा हूँ, 10 साल मैं यहाँ रहा हूँ, तो 1/3 मेरा हाँ वहाँ से। हाँ। मैंने कभी भोजपुरी फिल्म देखी नहीं, नॉट नो ऑफेंस, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अच्छी फिल्म्स नहीं होती, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती वो तो कभी। लेकिन ये बात सही है कि पटना का माहौल बिहार का माहौल थोड़ा अलग है। जी हाँ, मतलब या तो लोग अच्छा करना चाहते हैं विज़वी पढ़ाई को लेके, या तो कोई डॉक्टर बनता है या इंजीनियर बनता है या कोई आईएएस बनता है, बस ये तीन चीज़ें, बाकी चौथी चीज़ कुछ नहीं थी। अच्छा अच्छा, आपकी एडोलेसेंस कैसी थी? आई एम श्योर यू वुड बी अ गुड लुकिंग बॉय, आपके घर में क्योंकि चार बड़ी बहनें थी तो माहौल थोड़ा सा बैलेंस्ड ही रहा होगा। जी नहीं, लेकिन वही रीज़न है जिसकी वजह से मैं आज एक एक्टर हूँ, क्योंकि घर में इतना मैं पैम्पर्ड था कि मुझे पता नहीं चलता था कि बाहर कैसे लोगों से डील करूँ, तो मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट बच्चा था, मैं ज़्यादा बात नहीं करता था, बिल्कुल ही बात नहीं करता था। आपके ऊपर 5 औरतों का इन्फ्लुएंस था, एक माँ और 4 बड़ी बहनें, तो मैं बहुत कम बोलने लगा। और पहले 18-19 साल ऐसे कम बोलने में ही निकल गए, मुझे लगा कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। लेकिन जब पहली बार मैं थिएटर में प्ले कर रहा था और प्रोफेशनल डांसिंग में एक परफॉर्मेंस कर रहा था, तब मैंने देखा कि यार ये कितना, मतलब मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, लोग आ रहे हैं पैसे दे के और फिर वो उनको मैं इफेक्ट भी कर पा रहा हूँ, तो वो जो 19 साल की भड़ास थी वो स्टेज पर ही निकली। तो मैं सोचता हूँ, मैं कुछ बोलता हूँ लेकिन वो एक इनहेरेंट लॉस ऑफ मीनिंग होता है। हाँ। और वो मैं हमेशा उसके वो कॉन्शियस रहता है। हाँ। मतलब मुझे पता चल रहा है, होता है कि नहीं ये मैं मीन नहीं कर रहा था। हाँ। लेकिन अच्छा। हाँ, तो अभी जो चेंज हुआ है वो कैमरा के सामने ही हुआ है, वो कॉन्फिडेंट और चेंज आपको मैं कुछ कम्युनिकेट करके आपको इफेक्ट कर सकूँ, वो सिर्फ कैमरा के सामने हुआ है। ऐसे ऑफ कैमरा आज भी मैं ऐसे ही, मतलब मैं कम बोलता हूँ, बोलने की जरूरत कोशिश ही नहीं करता बेसिकली। ओके, इंडिया में लेट्स फेस इट, हर तीसरा आदमी सिंगर बनना चाहता है और हर दूसरा आदमी क्रिकेटर बनना चाहता है, दैट्स अ फैक्ट। तो बचपन में आपके अंदर ये शौक आया था कभी कि मैं बहुत बड़ा, मैं गावस्कर बनूं या मैं सचिन बनूं? गली में ही क्रिकेट खेला था, बाकी तो किसी ने मौका दिया नहीं। तो बहुत कोशिश कर रहा था कि स्कूल कोई एंबिशन कभी रहा नहीं आपका? जी हाँ बिल्कुल, एक समय ऐसा हमेशा इंडिया में होता है, हर बच्चे जो एक समय ऐसा होता है वो सोचता है कि अगला सचिन मैं ही हूँ, तो वो आया था मेरे दिमाग में, लेकिन मेरा फिर हाउस टीम में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, स्कूल टीम तो दूर की बात, तो मैंने वो सपना उधर ही रख दिया कि यार ये। लेकिन घर में ऐसा माहौल था कि स्पोर्ट्स में बच्चे? जी, मेरी एक बहन है जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलती थी, तो उन्होंने स्टेट के लिए भी खेला है, जोन के लिए भी खेला है, तो वो माहौल था जब मैं छोटा सा था। आप बड़े फिकल हैं, जब देखिए टीवी इंडस्ट्री में अगर किसी का सिक्का जम जाए और किसी को एक अच्छा हिट शो मिल जाए तो समझिए कि महीने के 20-25 लाख कहीं नहीं गए, और पवित्र रिश्ता में आपका इतना अच्छा ट्रैक चल रहा था और आप सब छोड़ छाड़ कर चले गए US पढ़ाई करने फिल्म मेकिंग की, आई मीन व्हाट वाज दैट? अगर सब कुछ पता हो कि कैसे होगा तो फिर बहुत बोरिंग लगने लगता है, फिर मैं रह नहीं सकता, चाहे आप कितने भी पैसे दे दो मुझे। हाँ। वो एक्साइटमेंट तभी आता है जब आपको पता नहीं होता कि चीज़ें कैसे टर्न आउट होंगी। अच्छा, पैसे की बात चली जी, जिसके घर में 4 बड़ी बहनें हों और वो इकलौता, अब मैं इंडियंस के हिसाब से बोल रही हूँ, उसके ऊपर बड़ा दबाव होता है, बेटा तेरी 4 बहनें हैं। हाँ। टाइप्स। हाँ? हाँ। और यही चीज़ समझने वाली बात है कि हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं, उसको रिवर्स इंजीनियर करने वाली बात है कि अगर आप ये समझ लें, अगर मैं आपको बताऊं कि मैं चाहता हूं कि हर इंसान जो है अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा रिच हो जाए और बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए, सिर्फ इसलिए कि उनको तब जाके पता चलेगा कि इसमें कुछ नहीं था, तो ये होना ज़रूरी है ये समझने के लिए।
तो अगर आप मेरी बात मान लें अभी कि इसमें बहुत बड़ा बोरिंग सा लगने लगता है एक बार, तो फिर एक्साइटमेंट है क्या? फिर एक्साइटमेंट सिर्फ आपके काम में ही हो सकता है कि आपको आपको रात को जो 10 मिनट और जगा के रखेगा वो यही होगा कि कल मैं कैसा शॉट दूंगा, ये कल मैं कैसा क्रिकेट खेलूंगा, ये कल मैं कैसा पेंटिंग करूंगा। वही चीज होता क्या है कि आपका इतना इंटरेस्ट होता है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं और बार बार वो ही करते हैं, आप इतने अच्छे हो जाएंगे कि आपको पैसे भी मिल जाएंगे, आप फेमस भी हो जाओगे, अगर दैट्स व्हाट कंसर्न्स यू। लेकिन उससे कुछ होता नहीं है जनरली। लेकिन जब आपने ये काम किया होगा तो आई एम श्योर सबने बोला होगा, व्हाट आर यू डूइंग, इट्स सुसाइडल बॉस। बिल्कुल, हमेशा जब मैं कुछ करता हूँ तो बहुत इलॉजिकल लगता है, लेकिन जितना लॉजिक से जाएंगे और सिक्योरिटी क्रेव करेंगे उतनी डिसअपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि एक ही फैक्ट है, वो है चेंज, और आप चेंज इज परमानेंट, दैट्स द फैक्ट। और आप क्रेव करते हो सिक्योरिटी, परमानेंस क्रेव करते हो, तो ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमेशा डिसअपॉइंटमेंट होती रहती है। जितनी जल्दी सच्चाई समझ में आ जाए उतना अच्छा। राइट, अच्छा अभी बताइए कि आप बहुत बड़े एक्टर के बेटे नहीं है, किसी डायरेक्टर के भांजे भतीजे नहीं है जी, नए नए आए आप इंडस्ट्री में, बहुत फेमस सीरियल के लीड हीरो, फिर कायपोचे, फिर आमिर खान के साथ फिल्म, फिर उसके बाद टाइटल रोल ब्योमकेश बख्शी, और अब धोनी, यू आर प्लेइंग द धोनी। बस मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, इतनी किस्मत बहुत कम में होती है। हाँ नहीं, मेहनत मैं कभी बोली ना कि कैसे? मैं कभी ये नहीं बोल रहा कि टैलेंट जरूरी है या मेहनत जरूरी है, कड़ी मेहनत जैसा लोग बोलते हैं। हम अपने आप को फूल करते रहते हैं हर समय कि यार इतना अच्छा होगा तो मतलब कुछ ना कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड होगा ही, तो मतलब बहुत मेहनत लगती होगी। लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन हुआ कैसे ये? वही मैं बोल रहा हूँ, प्रॉब्ली एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। नहीं नहीं नहीं, तुक्का नहीं होता, फिर तुक्का नहीं, और अगर एक बार लग भी जाए तो बार बार नहीं लगता। बार बार ये सिर्फ एक ही चीज की वजह से होता है जो हम इस फिल्म में भी दिखा रहे हैं बेसिकली, कि नो मैटर आप कहीं से भी हो, सारी हिस्ट्री अगेंस्ट हो, फैक्ट्स अगेंस्ट हो, लेकिन अगर आपको कैसे भी अपने आप को लॉजिकली इलॉजिकली कन्विंस करा दें कि जो आप सपना देख रहे हैं वो हो जाएगा, तो वो हो जाता है। उसका बाय प्रोडक्ट ये होता है कि आप टैलेंट भी कल्टीवेट कर लेते हो, आप मेहनत भी बहुत कर लेते हो, क्योंकि आपको और कुछ समझ में आता ही नहीं, आपको वही करना होता है। तो लोगों के हिसाब से तो आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपके हिसाब से आप मजे कर रहे हो, तो सब कुछ बाय प्रोडक्ट, लेकिन बिलीफ सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी की दुआएं लग रही है आपको, कोई है जो बहुत ज्यादा दुआ कर रहा है आपके लिए? दुआ लगे तो अच्छी बात है। ओके, धोनी आपको ऑफर कैसे हुई? सी, हमने बहुत सारे स्पोर्ट्समैन पे बहुत सारी बायोपिक्स देखी हैं, जैसे फरहान अख्तर ने भाग मिल्खा भाग में अजहरुद्दीन को प्ले किया, इमरान हाशमी ने, शाहरुख खान ने मीर नेगी का रोल प्ले किया था, और अब आप धोनी प्ले कर रहे हैं बड़े पर्दे पर, पहली बार हैं। धोनी वी ऑल नो इज अ वेरी सेलिब्रेटेड क्रिकेटर, तो वो प्रोसेस बताइए, हुआ क्या था उस दिन? फोन आया था आपको, आपको बुलाया था, हाउ डिड इट हैपन? मुझे नीरज पांडे जी ने बुलाया था, बुलाया जी, फिर? और उन्होंने बताया कि हम ऐसी फिल्म बना रहे हैं, और कुछ 20 मिनट की मीटिंग हुई थी। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मेरी कोई फिल्म नहीं देखी थी, बस उन्होंने 20 मिनट में इंस्टिंक्टिव रिएक्शन लिया कि यही करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी एक्साइटमेंट उस चीज़ से होती है कि मैं चीज़ों को समझता हूँ थोड़ा सा, थोड़ा नहीं समझता हूँ, वो समझने के चक्कर में मेरी एक्साइटमेंट बनी रहती है। तो जैसे मैं एमएस का बहुत बड़ा फ़ैन था, हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती थी कि वो सोचते कैसे। पता तो है कि हाँ वो एकदम कैप्टन कूल हैं, आज में रहते हैं, ज़्यादा अनफेज नहीं होते किसी भी चीज़ से, लेकिन ऐसा है क्यों, ये चीज़ समझ में नहीं आई थी 10-12 साल से। लेकिन यहाँ इसका मतलब था कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेना, समझने का, तो इसीलिए मैंने यहाँ करी। मैंने सुना धोनी के साथ आपने 1 साल 4 महीने बिताए, आई मीन उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए कोई भी आम आदमी अपना दायां हाथ देने को तैयार हो जाए, और आपने 1 साल 4 महीने, आई मीन यू लाइक अमेजिंगली लकी। हाँ, ऐसा जब भी वो फ्री होते थे हाँ, तो हम मिलते थे, और हाँ, मैं बड़े सारे सवाल पूछता था हाँ, और वो जवाब देते थे। क्या सवाल पूछते थे? वो नहीं, आप 250, जैसे पहली बार जब मैं मिला था पहली सीरीज ऑफ मीटिंग्स में हाँ, तो वो मैंने उनको बोला था कि आप अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में बताओ, तो वो बता रहे थे, मैं सुन रहा था। दूसरी बार जब हम मिले थे तो मैं उनसे क्वेश्चंस पूछ रहा था, वो जवाब दे रहे थे, और मैंने कुछ ऐसे 200 से 250 क्वेश्चंस खुद से बनाए थे। अच्छा। और वो सारे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस थे कि अगर ऐसा होगा तो आप क्या करोगे, ए बी सी डी, उनकी साइकोलॉजी समझने के लिए, ए बी सी डी, ऐसा मल्टीपल चॉइस, और उनको सोचना नहीं था, उनको जल्दी जल्दी इंस्टिंक्टिव, ये आपने बनाया था पूरा फॉर्म, वाओ, तो क्यों, ताकि उनको समझ सकूं। और तीसरी बार जब हम लोग मिल रहे थे जस्ट शूट के पहले,
उस समय मैं स्क्रिप्ट से क्वेश्चंस पूछ रहा था कि ये मुझे पता है कि ये हुआ था और मुझे मैंने देखा भी था कि आपने कैसे रिएक्शन दिया था, लेकिन आप सोच के रहे थे तो वो सोच समझना, तो इस तरीके से ट्रेनिंग हुई। सुशांत, महेंद्र सिंह धोनी में कमाल का सब्र है और ग्लैमरस दुनिया से अपने आप को डिटैच्ड रखने की एक अमेजिंग क्वालिटी है, क्या एक्टर में ये क्वालिटी हो सकती है? बिल्कुल ही हो सकता है, और हमें ऐसा लगता है कि सब्र है क्योंकि वो अनफेज होते हैं, वो ज़्यादा एंजाइटी नहीं होती उनके अंदर, तो हमें लगता है कि पेशेंट है। लेकिन पेशेंस तो तब होता है ना जब आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो और आप सोच रहे हो कि एक दिन कुछ अच्छा होगा तब तक मैं ऐसा इसको सह लूँगा, ऐसा है ही नहीं। वो फ्यूचर में है ही नहीं, वो पास्ट में है ही नहीं, वो अभी में है। अगर आपसे बात कर रहे हैं तो अभी आपसे 100% आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि पेशेंट है। वो पेशेंट ऐसा अच्छा। वो क्वालिटी तभी होती है जब आप ऑब्सेस्ड हो फ्यूचर को लेके, वो फ्यूचर को लेके ऑब्सेस्ड नहीं है। वही आप भी सीख रहे हैं उनसे, इनफैक्ट दैट इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन यू टू, है ना? थोड़ा बहुत था, उसको थोड़ा बहुत बढ़ गया इसी फिल्म करते करते। वो कभी ब्रेक डाउन नहीं करते वाकई? आपने तो इतना वक्त बिताया उनके साथ। मैं ह्यूमन है, इमोशंस तो जनरेट हो गई, लेकिन उसके साथ क्या करना है ये डिफाइन करता है कि वो कौन है। और धोनी अब रिलीज होने जा रही है जी, क्या सोचा है, व्यूअर क्या बोलेगा फर्स्ट शो देखने के बाद? सबसे पहले तो देखनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं कि क्रिकेट बहुत पॉपुलर है या एम एस धोनी बहुत पॉपुलर है, सबसे सक्सेसफुल कप्तान है, लेकिन इसलिए क्योंकि वो जो दो ढाई घंटे में वो एक्सपीरियंस जो मैंने एक्सपीरियंस किया, बड़ी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो मुझे पता थी लेकिन अब यकीन हो गया, और बहुत सारी चीज़ें मुझे पता नहीं थी जो मुझे पता चली, तो मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ सबके साथ, और वो बहुत ही एंगेजिंग वे में नीरज सर ने बनाया है वो फिल्म। हाँ, नीरज पांडे तो ऑफ कोर्स जी, उनसे तो, बेहतर डायरेक्टर बहुत कम है शायद जी। तो अगर आपको ढाई घंटे मतलब एंटरटेनमेंट के लिए जाना है तो भी आप जाएं, क्रिकेट के लिए जाना है तो भी जाएं, धोनी के लिए जाना है तो भी जाएं, या कुछ इंस्पायर होना है तो भी जाएं, रीजन तो सब है। आप भी एक स्मॉल टाउन बॉय है शायद आज भी, राइट जी? हाँ, ये फिल्म इंडस्ट्री की जो चकाचौंध देखी आपने, कुछ आपके अंदर आई या लग रहा है कि मैं नहीं, अभी मैं वो चीज कर सकता हूँ जो कोई और कर सकता है इस इंडस्ट्री में, या लेकिन इट डजंट चेंज मी एनीवे, मतलब इट डजंट चेंज द व्हाई ऑफ डूइंग समथिंग, वो व्हाई अभी तक वही है, वही एक्साइटमेंट है। जब मैं थिएटर में था 200 रुपये मिलते थे तो भी उतनी एक्साइटमेंट थी, और आज बड़े बड़े चेक मिलते हैं तो भी इतनी एक्साइटमेंट है, बड़े बड़े चेक। अच्छा एक बात बताइए, फिल्म इंडस्ट्री जो है वो रिलेशनशिप्स पर बहुत भारी पड़ती है, वी ऑल नो दैट, कोई भी रिलेशनशिप यहाँ मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, खासतौर से तब जब एक रिलेशनशिप में दो एक्टर्स हों। क्या वजह हो सकती है कि ऐसी रिलेशनशिप इंडस्ट्री में टूट जाती हैं? नहीं देखिए, किसी भी रिलेशनशिप में टाइम चाहिए होता है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो टाइम होना बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप जब इंडस्ट्री में हैं और आप कोई फिल्म कर रहे हैं तो यू आर रिक्वायर्ड टू बी कम्प्लीटली इमर्स्ड इनटू दैट, तो फिर एक ही चीज़ इन्वेस्ट होती है टाइम, तो वहाँ पे थोड़ी सी आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। टाइम ना हो तो प्रॉब्लम हो जाती है, टाइम ना हो तो किसी कभी भी प्रॉब्लम रहती है। सो ऑल द बेस्ट फॉर धोनी, एंड इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू सुशांत, थैंक यू।